एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के वीकेंड के वार पर फराह खान ने लगाई जमकर प्रियंका की क्लास, जोरदार लगाई फटकार। तो आखिर फैंस को क्यों आ गई रुबीना दिलेक की याद? जी हाँ, वो रुबीना दिलेक जो बिग बॉस की शेरनी मानी जाती हैं, आखिर प्रियंका से उनका कंपैरिजन क्यों होने लगा? ऐसा क्या हुआ अचानक से जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैंस रुबीना के साथ प्रियंका का कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको इस खबर के पीछे की पूरी डिटेल्स। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल, आने वाले वीकेंड में आपको नजर आएंगी कि वीकेंड के वार पर प्रियंका को जोरदार डांट लगाती हुई फराह खान नजर आने वाली हैं। जी हाँ, शालीन भनोट के नाइटमेयर पर जिस तरह से लगातार प्रियंका और टीना मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे में जमकर दोनों की क्लास फराह खान लगाती हैं और उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाती हैं। ऐसे में दोस्तों, फैंस लगातार सोशल मीडिया पर एक तरफ जहाँ फराह खान को गालियाँ दे रहे हैं, तो कई सारे फैंस प्रियंका चाहर चौधरी के गेम को जस्टिफाई कर रहे हैं। लगातार फैंस जो हैं बता रहे हैं कि प्रियंका की गलती नहीं है और साथ ही साथ प्रियंका का कंपैरिजन किया जा रहा है रुबीना दिलेक के साथ। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि रुबीना दिलेक का एक स्टेटमेंट है जो लगातार वीडियो के जरिए वायरल किया जा रहा है। जब रुबीना बिग बॉस के अंदर थी तब उन्हें भी बेवजह डांटा जाता था, लगातार सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतियों को बताया जाता था। और ऐसे में रुबीना का एक वीडियो वायरल जिसमें रुबीना ये बोलती हैं कि किसी को इतना भी नहीं डांटना चाहिए, इतना भी नहीं कहना चाहिए कि उसकी खेलने की स्पिरिट ही टूट जाए, उसका हर एक मोटिव टूट जाए। और उसी बात को लोग प्रियंका के साथ जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे प्रियंका के साथ भी वही हो रहा है, प्रियंका को इतना भी मत तोड़िए कि उसकी स्पिरिट ही चली जाए खेलने की। दोस्तों, ऐसे में प्रियंका को लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से रुबीना के साथ हुआ, एक बार फिर से हिस्ट्री विल रिपीट हरसेल्फ। और यहाँ पे रुबीना की तरह प्रियंका भी ट्रॉफी लेकर घर से बाहर आएंगी। साथ ही साथ उन्होंने वीकेंड के वार में जो आउटफिट पहना है वो भी कहीं ना कहीं रुबीना से मैच करता है। वेल, क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।